भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान जताया है कि दिल्ली में रविवार रात से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रहा। IMD ने कहा है कि बारिश के बाद हल्के से मध्यम कोहरा छा सकता है। वहीं मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी रविवार को सर्दियों के मौसम की पहली बारिश हुई और मौसम विभाग ने सोमवार के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश, ओलावृष्टि के साथ साथ तेज हवाओं का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने मौसम को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के भोपाल केंद्र ने कहा है कि राज्य के बड़वानी और झाबुआ में रविवार बारिश हुई। पश्चिम विक्षोभ के कारण इंदौर और उज्जैन मंडलों में बिजली गिरने तथा गरज के साथ बारिश होने की सूचना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार को राज्य के पूर्वी हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही पूरे राज्य में बारिश होगी। वहीं मंगलवार को बारिश में कमी आने की उम्मीद है। मौसम विज्ञानी के अनुसार मौसम में बदलाव के कारण राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान घट गया, जबकि रात का तापमान बढ़ने की उम्मीद है। राज्य में मंगलवार को आसमान साफ होने के बाद तापमान में कमी आ सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश हुई। सांचौर में हल्की ओलावृष्टि भी हुई। हालांकि पूर्वी राजस्थान मुख्यतः शुष्क रहा। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आज जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा संभाग में मेघ गर्जन के साथ बारिश की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 27 नवंबर को भी कोटा, भरतपुर, अजमेर व जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। विभाग के मुताबिक 28 नवंबर से मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।